हाय फ्रेंड्स, स्पेशल मेनू में आप सबका मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं फिर से हाजिर हो गई नया एक रेसिपी के साथ। तो आइए आज का रेसिपी हम शुरू करते हैं। रेसिपी शुरू करने से पहले आप लोगों को बोल रही हूँ, जो फ्रेंड्स आज का वीडियो में नया होगा प्लीज सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन दबाना, तो आगे भी आप लोग नए रेसिपी ऐसे देख पाओगे। तो आइए आज का रेसिपी हम शुरू करते हैं। ये रेसिपी हम कम टाइम पे कम खर्चा पे हम बना के रेडी कर लेंगे, इसीलिए सबसे पहले हम बिठा देते हैं एक कढ़ाई। कढ़ाई गरम करके तेल घी कुछ नहीं देना है, खाली कढ़ाई में हम देंगे एक कटोरी सूजी। देके हम सूजी को इसी तरह बुनेंगे, जब तक सूजी बुनना नहीं होता तब तक इसी तरह चलाना है। तो 2 मिनट टाइम लगा मुझे सूजी बुनने में, सूजी बुनना हो चुका है। अभी हमें बंद करके रखेंगे और दूसरे चूल्हे पे हम एक पैन बिठाएंगे, देंगे 250 ग्राम दूध। देके दूध को हम अच्छी तरह गर्म करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप अगर देखना ज्यादा दूध पतला लेते हो तो फिर आप अच्छे से दूध को गर्म करना, थोड़ा थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा कर लेना, तो फिर जो मिठाई बनाओगे वो ज्यादा टेस्टी होगा। तो देखिए मैंने दूध अच्छे से गर्म कर लिया, ऊपर थोड़ा बहुत मलाई भी आ चुका है और गाढ़ा भी है दूध। अभी हम बंद करके रखेंगे, एक बाउल लेंगे और बुना हुआ सूजी बाउल में डालेंगे और हम जो दूध गर्म किए थे दूध थोड़े थोड़े देंगे और इसका एक बैटर रेडी करेंगे। तो इसमें फ्रेंड्स ध्यान रखना, अगर सूजी में घुट लिया जाता है तो मिठाई अच्छे से बनेगा नहीं, इसीलिए बैटर गोलते टाइम थोड़ा सा ध्यान से करना। मैंने जितना दूध लियो गर्म किए थे पूरा दूध मेरे ये बैटर में लग चुका है। तो देखिए ये हमारा बैटर गुल के पूरा रेडी हो चुका है। अभी हम क्या करेंगे, 10 मिनट के लिए ढक के रख देंगे ताकि सूजी अच्छे से फूल जाएगा। तब तक हम क्या करेंगे, आगे का तैयारी कर लेते हैं। तो अभी हम 10 मिनट के लिए रख देते हैं और आगे का तैयारी करने के लिए मैंने फिर से कढ़ाई बिठा दिया। कढ़ाई गर्म करके उसमें भी तेल भी कुछ नहीं देना है, उसमें देंगे ड्राई नारियल। आप अगर कच्चा नारियल पसंद करते हो या आपके पास कच्चा नारियल है तो वो आप ले सकते हो, जो अवेलेबल होगा वो आप लीजिएगा। तो हम अच्छी तरह ये नारियल को चलाएंगे और इसमें हम मीठा के लिए देंगे गुड़। गुड़ जब तक मेल्ट नहीं होता है तब तक हम चलाएंगे। आप अगर गुड़ पसंद नहीं करते हो तो इसके जगह में आप चीनी ले सकते हो। तो देखिए गुड़ मेल्ट हो चुका है, अभी हम ये बंद करके रखेंगे। लेंगे इडली का स्टैंड, लेके हम तेल ग्रीस कर देंगे तो नीचे चिपकेगा नहीं, जिस तरह हम इडली बनाते टाइम करते हैं सेम इसी तरह। जो हम बैटर गुले थे वही बैटर हम थोड़े थोड़े चम्मच से देंगे। एक साथ मेरी 8 मिठाई होगा, मैंने 2 स्टैंड ले रखी हूँ और हम जिस तरह इडली बनाते टाइम इडली का बैटर देते हैं सेम इसी तरह मैं दूंगी। और इसके ऊपर हम क्या करेंगे, जो नारियल हम रखे वही नारियल इस बैटर के ऊपर हम थोड़े थोड़े करके हम नारियल दे देंगे। और नारियल के ऊपर हम क्या करेंगे, फिर ये जो हम सूजी का बैटर फिर ऊपर से हम वही बैटर दे देंगे ताकि हम जो नारियल दिया और पूरा वो इस बैटर से ढक देंगे। तो फ्रेंड्स, मेरी रेसिपी आप लोग पूरा अच्छे से देखिए, बिल्कुल स्किप मत कीजिए। ये बच्चों का सुबह का बहुत अच्छे से टिफिन हो जाता है। अभी हम इडली का कुकर बिठाएंगे और ये दोनों स्टैंड देके हम 10 मिनट के लिए हम रख लेंगे, गैस का आग फुल करके रखेंगे। 10 मिनट के बाद हमारा मिठाई बनके रेडी हो जाएगा। तो 10 मिनट हो चुका है फ्रेंड्स, अभी हम रखेंगे, ज़्यादा ठंडा नहीं करेंगे क्योंकि गर्मा गर्म अच्छा लगता है। थोड़ा सा जितना हम हाथ से छू सकते उतना तक हम ठंडा करेंगे और इडली की तरह चम्मच से हम एक एक करके मिठाई प्लेट में ले लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरी रेसिपी कितना जल्दी बनकर रेडी हो चुका है और कितना कम खर्चा पे कम टाइम पे हम बना के रेडी कर लिया। ये घर का सुबह का नाश्ता हो जाता है, स्कूल के बच्चों को भी हम ऐसे टिफिन बना के दे सकते हैं। और आज का मेरी रेसिपी आप लोगों को कैसा लगा प्लीज आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए और ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जो फ्रेंड्स आज का वीडियो में नए हो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, साथ में पास में जो बेल आइकन है उसको दबाइए ताकि आगे का